पहली बार हम बोट पर बैठे हैं दोस्तों, और इस वक्त दोस्तों हम सरायू नदी के बीचों बीच। हर हर महादेव दोस्तों, जय सिया राम, भारत माता की जय। दोस्तों इस वक्त दोस्तों हम राम पैड़ी पर, दोस्तों ये मेरे पीछे है दोस्तों राम पैड़ी, और दोस्तों मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों इसे स्वर्ग का द्वार भी बोला गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके जो राम की पैड़ी है दोस्तों, जो ये आप पानी देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले दोस्तों बहुत पवित्र नदी सरयू से है दोस्तों, सरयू नदी है दोस्तों यहाँ पर बहती है दोस्तों, उसका दोस्तों ये पानी है। और सरयू नदी दोस्तों भगवान विष्णु के नेत्र से दोस्तों उत्पन्न हुई है मान्यताओं के मुताबिक। जो ये चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि विष्णु जी के नेत्रों से दोस्तों ये उत्पन्न हुई है। दोस्तों हम हर की पैड़ी में दोस्तों, और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दोस्तों, देखिए हर की पैड़ी का दोस्तों हर की पैड़ी की जो वास्तविक जो सीढ़ियाँ थी दोस्तों, वो मूसलाधार बारिश में और दोस्तों नदी के तेज बहाव में दोस्तों टूट गई थी दोस्तों इस घाट की जो पैड़ियाँ हैं दोस्तों 1984-85 के जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी और सिंचाई विभाग के मंत्री वीर सिंह बहादुर के प्रयासों द्वारा दोस्तों इस घाट की दोस्तों जो सीढ़ियाँ हैं वो द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। राम की पैड़ी के आसपास काफ़ी मंदिर हैं दोस्तों, ये देखिए, और इसके पास दोस्तों एक नागेश्वर धाम जी का मंदिर है दोस्तों, उसके मैं आपका दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मान्यता है दोस्तों वो जो मंदिर है दोस्तों नागेश्वर धाम मंदिर है, जो वो लव और कुश द्वारा बनाया गया था। तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में, आपको मैं दर्शन कराऊँगा। तो देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं दोस्तों, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों इस सरयू नदी के पानी में दोस्तों नहाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का मानना है कि सरयू नदी के पानी में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं दोस्तों। मेरे पीछे जो आप ये पंप दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, इसी पंपों के द्वारा सरयू नदी से दोस्तों पानी घाट में छोड़ा जाता है दोस्तों, जहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि श्रद्धालु नहा रहे हैं वहाँ पर, ये सरयू नदी के दोस्तों पानी है दोस्तों। अभी मैं आपको सरयू नदी में लेकर जाऊंगा और वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। तो इन छह पंपों की सहायता है दोस्तों ये पानी इस घाट में छोड़ा जाता है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पास में काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, जो कि टूट फूट चुके हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये तो ठीक हालत में दोस्तों। इस साइड देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर है दोस्तों काफ़ी पुराने, ये टूट फूट चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप अयोध्या आएँ तो दोस्तों राम की पैड़ी पर आना ना भूलें दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों सरयू नदी के पवित्र पानी से नहाना भी ना भूलें दोस्तों। और ये रही दोस्तों हमारी राम की पैड़ी दोस्तों। इस वक्त दोस्तों मैं सरयू नदी के तट पर दोस्तों, और ये मेरे पीछे आपको शायद दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कैमरे के रिफ्लेक्शन के कारण शायद आपको दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दी है दोस्तों। इस नदी का पानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राम पैड़ी जो घाट बनाया गया दोस्तों, उस घाट में दोस्तों पंपों के द्वारा दोस्तों पानी वहाँ पर जा रहा है दोस्तों। ये मेरे पिछली साइड है जो पंप यहाँ पर लगे हैं, और पानी जा रहा है घाट में दोस्तों। सरयू नदी का दोस्तों पानी है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों सरयू नदी। दोस्तों पुराणों में बताया गया है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की नेत्रों से प्रकट हुई है दोस्तों। आनंद रामायण के यात्रा कांड में बताया गया है कि प्राचीन काल में शंकासुर दैत्या ने वेदों को चुरा कर उन्हें समुद्र में छिपा दिया था, और खुद भी समुद्र में छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर उस दैत्य शंकासुर का वध किया, और उसके द्वारा चुराए गए वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस समय खुशी के कारण भगवान विष्णु की आंखों से आंसू टपक पड़े,
और तब ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। दोस्तों इस जल को दोस्तों महाप्रक्रमी वैवस्वत महाराज ने दोस्तों अपने बांध से मानसरोवर से बाहर निकाला और दोस्तों आगे चलकर यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। दोस्तों पुराणों के मुताबिक ये था दोस्तों सरयू नदी का इतिहास। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और दोस्तों सबसे पहले दोस्तों सरयू नदी में नहाकर दोस्तों अयोध्या में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लोग यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्नान करते हैं दोस्तों लोग आकर सरयू नदी में। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों और ये पास में दोस्तों हाईवे जा रहा है और उसकी दूसरी साइड दोस्तों थोड़ी दूर है उससे जो उसका पुल है रेलवे से रेलवे का पुल है। सोचते हैं दोस्तों हम सरयू नदी में जय सिया राम भैया के साथ हम भी बैठे हैं। तो पहली बार दोस्तों मैं बैठा हूँ नाव में और हम जाएंगे दोस्तों सरयू नदी में। देखते हैं दोस्तों पहली बार बैठा हूँ मैं यहाँ पे। पहली बार हम बोट पर बैठे हैं दोस्तों और इस वक्त दोस्तों हम सरयू नदी के बीचों बीच जो कि पवित्र नदी है और यहाँ पर माना जाता है कि अगर आप इस नदी में स्नान करते हैं तो आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं। इसी नदी से दोस्तों दूसरी साइड जो एक घाट निकाला गया और इसी नदी का पानी दोस्तों पंपों के द्वारा उस घाट में पहुँचाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों अभी आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर बस का बस निकल गया दोस्तों रोडवेज का एक रूट है और देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारे हम दो लोग हैं एक भैया एक मैं। तो पहले तो ये काफ़ी महंगा बता रहे थे 200 रुपये बट ये कर करा के फिर इन्होंने वही 100 रुपये में दो लोगों को एडजस्टमेंट कर दी। पहले 200-250-300 रुपये बता रहे थे ऐसा कुछ बट 100 रुपये में हमने एक भाई और एक मैं हम दोनों ने 400 रुपये लगा के। तो अभी हम घूम रहे हैं दोस्तों सरयू नदी के बीच में काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है दोस्तों ये नाव का और बाकी थोड़ा डर भी लग रहा है थोड़ा क्योंकि काफ़ी गहरी है नदी। और ये जो दोस्तों आ गया है के नीचे से दोस्तों और सामने दोस्तों आपको शायद दिखाई दे रहा होगा पता नहीं दूर वहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा वो रेलवे लाइन है दोस्तों वो रेलवे लाइन है। वैसे साफ है पानी ऐसी बात नहीं है नदी का पानी बिल्कुल साफ है। तो देखिए दोस्तों देखिए ये जो हमारी नाव है ये भी कितने सजाई हुई है दोस्तों। वो सामने दोस्तों है रेलवे पुल और दोस्तों ये रहे दोस्तों मान सरयू नदी में। तो दोस्तों सरयू नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों और हमने दोस्तों पहली बार दोस्तों हमने वोटिंग भी कर ली है दोस्तों। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम नागेश्वर नाथ मंदिर में दोस्तों बने रहना दोस्तों ब्लॉग पे। दोस्तों 2019 में दोस्तों अयोध्या में दोस्तों इसी जगह पर राम पैड़ी पर दोस्तों 450,000 दीवे जलाकर दोस्तों गिनजी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों राम की पैड़ी और दोस्तों अभी हम चलते हैं दोस्तों नागेश्वर धाम मंदिर दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मान्यता है कि दोस्तों वो मंदिर दोस्तों लव और कृष्ण के द्वारा बनवाया गया था। तो अभी हम दोस्तों उसी मंदिर में जाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं महादेव के दोस्तों और आपको भी दोस्तों दर्शन करवाते हैं महादेव के दोस्तों। और राम की पेड़ी दोस्तों हमने देख लिया दोस्तों और यहाँ पर हमने जो
सरयू की पवित्र जल है, उसको भी हमने थोड़ा अपने मुंह का धो दिया था। नहाया तो नहीं मैं था उसमें, बट मुंह का धो लिया था, क्योंकि ये मान्यताओं के मुताबिक पवित्र जल है दोस्तों। और काफ़ी संख्या में दोस्तों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और स्नान करते हैं दोस्तों। तो हमने भी दोस्तों मुँह धो लिया यहाँ पर, और अभी हम चलते हैं दोस्तों नागेश्वर धाम मंदिर। बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। नागेश्वर धाम मंदिर, यह दोस्तों नागेश्वर नाथ मंदिर दोस्तों, इसी मंदिर में दोस्तों हम चलते हैं। तो शिव जी को नहलाने के लिए दोस्तों कच्ची लस्सी होती है वो ले लिया दोस्तों, और अभी हम दोस्तों जा रहे हैं मंदिर में, तो आपको भी दर्शन कराऊंगा दोस्तों, बने रहने दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों नागेश्वर नाथ जी मंदिर, नागेश्वर नाथ जी मंदिर। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नागेश्वर नाथ जी मंदिर में। ये माता जी की जय माता दी मूर्ति है, ये काफी देखिए फूल। और दोस्तों मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों यह मंदिर दोस्तों श्री राम जी के छोटे पुत्र कुश द्वारा बनाया गया था दोस्तों। बताया जाता है दोस्तों कि एक बार जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे, तब उनका बाजू बंद नदी में गिर गया था। तब दोस्तों एक नागकन्या ने उनका बाजू बंद ढूंढकर उन्हें वापस किया था दोस्तों। नागकन्या कुश पर मोहित हो गई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नागकन्या के लिए करवाया था। आपको दर्शन विक्रमादित्य शासनकाल में यह मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में था दोस्तों। दोस्तों शिवरात्रि का पर्व यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। शिवरात्रि के त्यौहार पर दोस्तों इस मंदिर में दोस्तों लाखों की तादाद में दोस्तों श्रद्धालु आते हैं। नागेश्वर नाथ जी का मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करवा दिया दोस्तों। तो राम की पैड़ी पर दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, अगर आप राम की पैड़ी आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों, हमने कर लिया है रामपैड़ी के दर्शन और नागेश्वर नाथ जी के मंदिर के दर्शन। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग? आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं हूँ गुरजीत और मैं कर रहा हूँ दोस्तों भारत यात्रा, तो आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों।